गुड मॉर्निंग किड्स, ये देखिए ये आपकी बुक है, नर्सरी क्लास की बुक है ये, ऑल इन वन, और ये आपकी रीडिंग बुक है। कौन सी क्लास की बुक है? नर्सरी क्लास, यानी आपकी बुक ऑल इन वन। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, और ये आपकी रीडिंग बुक है। इस रीडिंग बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ये तो बहुत पहले ही हम आपको दिखा चुके हैं, उसके साथ ही साथ हम आपको आज फिर से दिखाएंगे कि इसके अंदर जो भी है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ, जीके, सॉन्ग एंड टेल्स, कविता एंड कहानी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है, जिसमें हम लोग इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, हिंदी भी पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक भी पढ़ रहे हैं, और कविता और कहानियों में से हमने आपको एक स्टोरी पढ़ाई भी है, कासिम की चतुराई, जो कि आपके इंग्लिश के क्लास के साथ साथ हुई थी। ठीक है, आज हम लोग इस क्लास में जीके पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जीके, पेज नंबर 94। पेज नंबर 94 पे क्या है हम लोग पहले उसको देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारी बुक ओपन है, आप देख रहे हैं, हम अभी ये पेज नंबर 94 यानी यहाँ पे हम आ गए हैं। ये है हमारी बुक के अंदर पेज नंबर 94। पेज नंबर 94 में यहाँ पे आप जो पिक्चर देख पा रहे हैं, तो इससे आप पूरी तरीके से अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि क्या है ये। पेज नंबर 94 पे जो आपका ये जीके है यानी जनरल नॉलेज है, इसमें क्या दिया है? फ्रूट दिया है, FRUITS, फ्रूट्स। तो इसमें बहुत सारे लेटर जो हैं आप पहचानते तो हैं, लेकिन अभी लिख नहीं पा रहे हैं, कुछ लेटर तक आप पहुँचे हैं, तो वो लेटर जो है हम लोग आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज की क्लास में नहीं। आज की क्लास हमारे सिर्फ जनरल नॉलेज की क्लास होगी, और इस क्लास में लास्ट में मैं एक बार आपका अल्फ़ाबेट का भी रिवीजन करा दूंगी, लेकिन पूरी तरीके से ये क्लास आपकी जीके की होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं? जीके। तो ये हमारी क्लास जो है किसकी है? जीके की क्लास है। जीके में हमारा सबसे पहले क्या दिया हुआ है? फ्रूट। फ्रूट यानी फल, जो फल हम खाते हैं और जिसको खाने से हम काफ़ी हेल्दी होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ताकतवर होते हैं, तो हम जो है इस फ्रूट के बारे में आज पढ़ेंगे। हम जो है आपको ये पूरे फल का विद स्पेलिंग के साथ पढ़ाएंगे, जबकि हमें ये पता है कि आपको जितना इसमें बड़ा बड़ा जो भी स्पेलिंग है, ये सारी चीज़ें अभी लिखनी नहीं आती हैं, पर लेटर तो हमने आपको बहुत बार पढ़ाया है, पूरा ए से लेके जेड तक के लेटर जितने भी हैं उसको मैंने आपको काफ़ी राउंड्स पढ़ाए हैं, जिसके वजह से आप इसको बोल सकते हैं। तो जब मैं आपको बोल के इसको पढ़ाऊँगी, तो ये जब क्लास पूरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो आप वापस से इस क्लास को ऑन कीजिएगा, और फिर से आप जो है उसी तरीके से बोल बोल के पढ़िएगा। स्पेलिंग आपको लर्न होगी या नहीं होगी वो तो बात की बात है, लेकिन फ्रूट आपको क्लियर हो जाएंगे कि कौन से फ्रूट हैं। ये आपको पता ही है कि ये क्या है, ये कौन सा फ्रूट है। पहले हम लोग इसकी स्पेलिंग पढ़ते हैं, MANGO, मैंगो। ये क्या है? मैंगो। मैंगो यानी आम। ये सीज़न जो है अभी आपका समर का चल रहा है ना, और समर में आपको इस सीज़न में अभी रिसेंटली आपको बहुत जगहों पे मैंगो दिख रहे, जितने भी पेड़ पौधे हैं मैंगो के, आम के जितने पेड़ हैं, उन सब पे आपको कहीं ना कहीं मैंगो दिखाई दे रहे होंगे। तो इसे भी हम लोग, ये आम जो है, ये फ्रूट जो है, ये सभी को बहुत पसंद होता है, और बच्चे तो इसको बहुत प्यार से खाते हैं। इस फ्रूट का नाम बताइए आप मुझे,
इस फ्रूट का नाम क्या है? मैंगो। क्या नाम है इसका? मैंगो। ये येलो और ग्रीन कलर का होता है। जब ये येलो और ग्रीन कलर, ये काफ़ी खाने में टेस्टी भी लगता है और सभी बच्चों को बहुत पसंद है। इसके आगे जो हमारा ये फ्रूट है, नेक्स्ट फ्रूट क्या है? एप्पल। ए डबल पी एल ई, एप्पल। एप्पल मीन्स क्या होता है? सेब होता है। एप्पल मीन्स क्या होता है? सेब होता है। ये एप्पल देख के तो आप सबसे पहले पहचान गए होंगे, क्योंकि जब भी आप कैपिटल लेटर पढ़ते, जब भी आप अपना अल्फ़ाबेट खोलते, तो सबसे पहले ए फॉर एप्पल ही पढ़ते हैं आप। तो ए फॉर एप्पल यानी सेब। हर बच्चे को, हर बड़ों को रोज़ एप्पल खाना चाहिए। एप्पल जो है वो बहुत सारी ताकत देता है, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ये क्या है? एप्पल। एप्पल यानी सेब। ये भी ग्रीन, रेड, कई कलर के होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फ्रूट की तरफ। ये क्या है? पॉमग्रेनेट। क्या है ये? पॉमग्रेनेट। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सा फल है? ये आपका पॉमग्रेनेट यानी अनार। अनार आपने देखा है? अनार जब हम इसको खोलते हैं तो इसके अंदर जो है छोटे छोटे दाने भरे होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनार। और ये कौन से कलर का होता है? अभी आपके सामने ये जो दिखाई देना ना, डार्क रेड कलर, तो ये सेम इसी कलर का होता है। और कोई कोई जो होते हैं ना, ये थोड़े से जब सूख जाते हैं तो ये थोड़े से ब्राउनिश दिखने लगते हैं। तो ये क्या है? पॉमग्रेनेट। पॉमग्रेनेट यानी अनार। इससे, इसको खाने से हमारे शरीर का ब्लड जो होता है ना, वो दोगुना हो जाता है, बहुत स्ट्रांगनेस मिलती है। जितने भी फ्रूट होते हैं उन सब के जो है कोई ना कोई प्रॉफिट आपके बॉडी में होता ही होता है। इसलिए सभी को जो है फ्रूट बहुत अच्छे से खाना चाहिए और हर फ्रूट को खाना चाहिए। नेक्स्ट फ्रूट हमारा है ऑरेंज। ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज। ऑरेंज यानी संतरा। ऑरेंज यानी संतरा। ये कौन सा फ्रूट है? ऑरेंज। ऑरेंज यानी संतरा। ये थोड़ा सा टेस्ट में खट्टा और मीठा दोनों होता है, ठीक है ना? तो इसको क्या बोलते हैं? ऑरेंज। नेक्स्ट फ्रूट है पी ए पी ए वाई ए, पपाया। पपाया, पपाया यानी पपीता। ये भी ग्रीन और येलो कलर का होता है। जब ये कच्चा रहता है तो ये पूरी तरीके से ग्रीन दिखाई देता है, लेकिन जब ये पक जाता है तो ये येलो कलर का हो जाता है। पपाया यानी पपीता। नेक्स्ट फ्रूट, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि ये तो सभी बच्चों को पसंद होता है, बनाना। बी ए एन ए एन ए, बनाना। बनाना यानी केला। ये क्या है? बनाना। इसका भी सेम है कि ये भी जो है पक जाने पे येलो, वरना ये ग्रीन दिखाई देता है। जबकि ये काफ़ी, ये मतलब ये चेंज होते रहता है, जैसे कि ये ग्रीन होने पे भी पका हुआ मीठा लगता है, लेकिन बेसिक ज़्यादा पकने से कुछ जो बनाना होते हैं वो येलो हो जाते हैं, कुछ ग्रीन ही रहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? बनाना। अभी तक हमने कितने फ्रूट पढ़े? सिक्स फ्रूट। इन सिक्स फ्रूट में क्या क्या है? मैंगो, एप्पल, पॉमग्रेनेट, ऑरेंज, पपाया, बनाना। इसके बाद हमारे पास और भी फ्रूट्स हैं जो इसके नीचे हैं। ये क्या क्या है? देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये कौन सा फ्रूट है? जी आर ए पी ई एस, ग्रेप्स। ये क्या है? ग्रेप्स। ग्रेप्स यानी अंगूर। ये भी ग्रीन कलर, ब्लैक कलर दोनों का होता है। तो ग्रेप्स यानी अंगूर। ग्रेप्स मीन्स क्या होता है? अंगूर। नेक्स्ट फ्रूट जी यू ए वी ए, ग्वावा। ग्वावा यानी अमरूद। ग्वावा, अमरूद। ग्वावा को क्या बोलते हैं हम लोग? अमरूद। अमरूद तो बहुत बच्चों को नहीं पसंद है, बट बहुत बच्चों को पसंद होती है। तो ये भी एक आपका हेल्दी फ्रूट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पिक्चर है, ये क्या चीज़ का है? पी ई ए आर, पियर।
पी ई ए आर पियर, ये क्या चीज़ का है? फ्रूट पियर, पियर यानी नाशपाती। यहाँ पे हमने जो है 9 फ्रूट आपको पढ़ाए, 9 फ्रूट जो कौन कौन से हैं, मैंगो, एप्पल, पोमग्रेनेट, ऑरेंज, पपाया, बनाना, ग्रेप्स, गुआवा, पियर। अब 3 फ्रूट्स जो है यहाँ पे बॉटम में है, नीचे है, ठीक है। तो ये 3 फ्रूट क्या है, इसे भी आप देखिए, ये तो देख रहे हैं आप, स्ट्रॉबेरी, चीकू, चेरी, ये सारे काफ़ी हेल्दी फ्रूट हैं। सी एच ई डबल आर वाई, चेरी, सी एच ई डबल आर, जब 2 लेटर एक जैसा एक पास होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डबल। तो डबल आर, ये आर आर 2 बार एक ही पास है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल आर। फिर से पढ़िए आप इसको, सी एच ई डबल आर वाई, चेरी। ये क्या है, चेरी। चेरी तो सबको पसंद है, जब भी आपके घर में केक या पेस्ट्री इस टाइप की कोई भी फूड खाने के लिए आपके आता है तो उस पे ये चेरी जो है इसके टुकड़े लगे हुए होते हैं, ठीक है। चीकू, सी एच आई के डबल ओ, चीकू। अभी मैंने क्या आपको बताया, जब 2 आर एक पास है तो इसको डबल आर बोलेंगे, इसी तरीके से 2 ओ एक पास है तो इसको हम क्या बोलेंगे, डबल ओ। तो यहाँ पे क्या हो गया, सी एच आई के डबल ओ, चीकू। नेक्स्ट फ्रूट हमारा क्या है, एस, ये थोड़ा सा बहुत लंबा है आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा, लेकिन फिर भी स्पेलिंग तो हम लोग पढ़ ही सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, एस टी आर ए डब्ल्यू बी ई डबल आर वाई, स्ट्रॉबेरी। इसको 2 टुकड़े में करके हम लोग पढ़ेंगे, एस टी आर ए डब्ल्यू स्ट्रॉ बी ई डबल आर वाई वेरी, स्ट्रॉबेरी। ये भी फ्रूट जो है काफ़ी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये जितने फ्रूट तो वैसे भी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमें हर रोज़ कोई ना कोई एक फ्रूट ज़रूर खाना चाहिए। जो बच्चे फ्रूट नहीं खाते हैं उनको भी हर रोज़, जब भी आप मेरे इस क्लास को देखिएगा, इसको देखने के बाद इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि आपको हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहना है तो आपको पर डे कोई ना कोई फ्रूट खाना ही खाना है, ठीक है। जिनको पसंद हो वो भी, जिनको नहीं पसंद हो उनको भी, सभी को फ्रूट खाने चाहिए, क्योंकि फ्रूट जो है आपके बॉडी को जो है पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। यहाँ पे हमारे जीके में आज हम लोगों ने फ्रूट का ये चैप्टर पढ़ा है जो पेज नंबर 94 पे है। इसमें जितने भी फ्रूट्स हैं, जैसे आप काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ पे जो है 12 फ्रूट्स दिए गए हैं। इन 12 फ्रूट्स को आप अच्छे से पहचान लीजिएगा, इसके नाम जान लीजिएगा, स्पेलिंग के चक्कर में आप नहीं रहेंगे क्योंकि अभी आपसे स्पेलिंग वगैरह नहीं पूछी जाएगी, आपको सिर्फ पहचानना होगा कि ये कौन सा फ्रूट है। तो आप जो है और नाम बस ऐसे सिंपली ओरल वर्क में लर्न कीजिएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मैंगो, एप्पल, बनाना, पोमग्रेनेट, पपाया, ग्रेप्स, पियर, ऑरेंज, इस टाइप के आपको बस बोलने में ओरल वर्क जो है आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और ये हर चीज़ों की पहचान यानी जानना चाहिए आपको कि ये कौन सा फ्रूट है। इन द केस कोई आपसे आपकी ये बुक खोलेगा और बोलेगा, अरे यहाँ पे तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स लिए हुए हैं, ये फ्रूट्स में कौन से फ्रूट्स हैं, तो कोई उठा करके आपसे पूछ देगा कि ये कौन सा फ्रूट्स है। तो इस पूरे स्पेलिंग को तो आपने लर्न नहीं किया है कि आपको पता चलेगा,
तो जब आप इसको पहचाने रहेंगे तब आप इसको बोल पाएंगे कि ये चीकू है या फिर ये चेरी है या फिर ये पेयर है, ये क्या है पपाया है, ये ऑरेंज है, ये एप्पल है। तो इस तरीके से आपका ये फ्रूट यानी जीके जो है सब्जेक्ट ये ओरल होता है, कन्वर्सेशन के रूप में होता है कि नेम एनी फाइव फ्रूट्स। आपको पूछा जाएगा कि फाइव फ्रूट्स के नाम बताइए, तो फाइव फ्रूट्स में आप क्या क्या बोलेंगे। यहाँ पे जितने भी फ्रूट्स हैं जो फ्रूट आप सभी फ्रूट के नाम आप लर्न कीजिएगा, नाम याद कर लीजिएगा, पिक्चर को अच्छे से पहचान लीजिएगा। और जो फ्रूट आपको ईजी वे में लगता है जैसे नेम एनी फाइव फ्रूट, मैंगो, एप्पल, बनाना, पपाया, ग्रेप्स, ऐसे बोल सकते हैं मैंगो एप्पल बनाना पपाया ग्रेप्स, या फिर ऐसे बोल सकते हैं मैंगो एप्पल ऑरेंज पपाया बनाना। तो जो भी आपको आराम से आसानी से आपको लगे कि आप इसको अच्छे से लर्न कर सकते हो और इजी वे में बोल सकते हो तो उसको जो है आप बहुत अच्छे से बोलिएगा। ओरल आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और हर पिक्चर को आप पहचानिएगा कि अगर कोई आपसे पूछे तो आप बता सके कि ये कौन सा फ्रूट है, मैंगो है, एप्पल है या ऑरेंज है, पपाया है या कौन सा फ्रूट है। एक बार हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं, मैंगो, एप्पल, पॉमग्रेनेट, ऑरेंज, पपाया, बनाना, ग्रेप्स, गुआवा, पेयर, चेरी, चीकू, स्ट्रॉबेरी। यहाँ पे तो हो गए हमारे जीके। चूँकि हम लोग आज जीके ही पर्टिकुलरली इस जीके की ही क्लास कर रहे हैं, हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम लोग आज सिर्फ इसी को पढ़ते हैं। हमने सोचा था कि हम इसके साथ साथ आपको जो है आपके अल्फ़ाबेट को भी पढ़ा देंगे, लेकिन आज हम जो है आपके अल्फ़ाबेट को नहीं पढ़ा के आपको सिर्फ ये जीके ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसी को आप अच्छे से लर्न कीजिएगा और पूरे पिक्चर को अच्छे से पहचानिएगा और जितने इसमें पिक्चर हैं यानी जितने फ्रूट्स हैं इन सारे फ्रूट्स के नेम आप याद कीजिएगा, लर्न कीजिएगा। इसी के साथ हमारी आज की ये क्लास जो है यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।